देखिए क्या शानदार नक्काशी की हुई है फर्श पर। सामने मेहरा वाला मंदिर है ना, भाई हैं पाकिस्तान से हैं माशाल्लाह। आज हमें लेकर जा रहे हैं अबू धाबी। हम गुजर रहे हैं इंटरनेशनल सिटी। अच्छा वो ग्लोबल क्या कहते हैं उसको, जिसको घूमने के लिए आना है 25 अक्टूबर को आ जाए इंशाल्लाह। फिर मार्च के लास्ट तक चलेगा, 6 महीने का रहता है। वापसी पे वहाँ से वापसी पे यहाँ पर आएंगे? नहीं बंद है अभी, नहीं वहाँ से वापसी पे क्योंकि उम्र से वापसी पे आ सकते स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम है नहीं क्रिकेट है। क्रिकेट अच्छा अच्छा हम दूसरी तरफ आ गए। सुनो साफ बात ये है ना, ये सब लोग के मगनतीस में पावर खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म है, जीरो है। ना प्लस काम कर रहे हैं ना माइनस काम कर रहे हैं। प्लस को डालो चार्ज में माइनस खराब हो जाता है, माइनस को डालो चार्ज में प्लस खराब हो जाता है, दोनों को डालो चार्ज में पूरा फ्यूज उड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई भी नहीं है, सब लोग गए, सब लोग बाहर गए। तो भाई क्या नाम इसका, मौलाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने बॉर्डर पार से आप चार्ज लेके आए, आपके चार्ज की वजह से इनको भी चार्ज मिल गया। सही बात है, थोड़ा सा इनके अभी स्पार्क निकल आए जिसकी वजह से माशाल्लाह हरकत पता है, हरकत आई, हरकत 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 में बरकत आई। हम जब अपने कप पेश की कासिम साहब, मैं कप पेश किया चाय का, तो उन्होंने एक सिप उठाया
अरे नहीं थोड़ा चीनी डाल दो। अच्छा जी चीनी, अब मेरे हिसाब से बिल्कुल चीनी नॉर्मल है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है कि उसको जरूरत पड़े उसमें चाय में। मैं कहा जी बिल्कुल, मैं गया अभी मैं ढूंढ रहा हूँ चीनी कहाँ है, क्या मुसीबत है, जल्दी जा करके अभी चम्मच ढूंढ रहा हूँ, अभी किस चीज में मैं चीनी डालेगा, जल्दी जल्दी पता नहीं क्या कप में डाला किस चीज में डाला मालूम नहीं, चम्मच लेके आया साथ में, अब मैं बैठ गया। मैं कहा जी हाँ हाँ डाल टेस्ट कर, अभी मैंने आधा चम्मच डाला, आधा चम्मच क्यों उसमें चीनी है मेरे हिसाब से ऑलरेडी डाला हुआ था आपने, मैंने सिर्फ आधा चम्मच लिया, आधा चम्मच उसमें डाला। अब वहां साहब देख रहे मुझे, अरे भाई क्यों शर्मा रहे हो, बस इतना बोलना था, वन टू थ्री फोर फाइव, वो चाय है ना वो चाय कप से बाहर गिरने लगा, इतना चीनी डाला उसके अंदर। बस अभी बहुत है, चाय सारे चीनी पिएगा कौन यार। जिस मस्जिद में हम जा रहे हैं अभी, उस मस्जिद का आप लोग को हिस्ट्री मालूम है? नहीं मालूम, वही जानना आपसे। सबसे पहले मालूम करने के लिए जी, जिसने उस मस्जिद को बनाया उसका हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। सही, जब भी आपको मालूम पड़ेगा पीछे से ये मस्जिद को बनाने वाले का पावर कितना था और उसका रियलिटी कितना था और उसका तारीख क्या था और उसका असल क्या था, पूरे इमारत में शेख जायद सबसे पहली बात तो ये कि 1918 में पैदा हुए, 1918 में, 2004 में इंतकाल हुआ, अच्छा अच्छा 86 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 1918 में ये पैदा हुए अलेन में, अच्छा, अलेन में पैदा हुए, और जब ये जवान हुए तो इनके बड़े भाई थे वो थे हाकिम अभी सभी का, अच्छा अच्छा, फिर वो बीमार हो गए तो वो चले गए बाहर इलाज के लिए, अच्छा, तो फिर इनको इन्होंने अलेन की जिम्मेदारी दी जी जी कि भाई आप अलेन संभालो जी, क्यों अबू जाबी अलेन दोनों बहुत बड़े थे, वो उसे संभालने के लिए इतना ताकत था नहीं कि वो ये सब दोनों एक साथ कर सके जी, तो उनको अलेन दिया कि भाई आप अलेन संभालो, वो चले गए बाहर बीमारी की वजह से इलाज के लिए जी जी, तो थोड़ा टाइम लगा उनको, वो जब वापस आए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया अलेन में जी जी, जिनकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मानूस हुए इनसे कि यार ये तो बहुत जबरदस्त हाकिम है भाई, और जैसे उनका नाम था जायद जी जी, वैसे हकीकत में भी जैसे जायद का मतलब है ज्यादा, ज्यादा से निकला है जी जी, मेरा ख्याल मैं तो आलिम नहीं हूँ लेकिन जी जी अरबी हमने पढ़ा है उस हिसाब से बतला रहे जायद जायद जी, उनके लिए जो मैं तर्जुमा करता हूँ वो मेरा तर्जुमा ये है ज्यादा देने वाले जी जी, मैं ये मेरा अपना जाती तर्जुमा जी जी, और अरबी हो अजमी हो इस मुल्क में जो भी रहने वाले आदमी हो आज तक उनको बाबा जायद बुलाते हैं, बाबा जायद जी, आज तक उनको बाबा जायद शेख जायद कोई नहीं बुलाते हैं जी, क्यों उन्होंने जो यहाँ के लोगों को मोहब्बत दी और सहूलतें दी शुरू शुरू में जी जी, तो वो उसे कोई नहीं पहुंच सकते हैं, बहुत कुर्बानी दिया उन्होंने, कुर्बानी दी, बहरहाल जब वो वापस आए जी उनके भाई वापस आए जी, फिर उन्होंने फिर बाद में ये फैसला किया कि वो उम्र दराज भी हो गए थे जी जी, मैं कहा भाई चलो अब आप ही संभालो, हाकिम को बना दिया, तो उन्होंने इनको हाकिम बना दिया, अच्छा, उसके बाद में फिर ये आखिरी उम्र तक अबू धाबी के हाकिम भी, ये क़याम से पहले की बात है जी, मतलब अभी तक अभी इमारात का इत्तेहाद नहीं हुआ था और ये सब कुछ नहीं हुआ था, अच्छा, इत्तेहाद तो बहुत बाद में 71 में इत्तेहाद हुआ, यानी बाहर मुल्कों में हॉस्पिटल बनाए, बाहर मुल्कों यतीम खाने बनाए, बाहर मुल्कों को उन्होंने यानी मदद की, मावनत की, और हम मरकज में थे तो बयान में अहमद अल मुल्ला ने, उसने बयान में कहा कि शेख जायद ने अपने दौर में 1 मिलियन खजूर के दरख्त लगाए, 1 मिलियन खजूर के दरख्त चल भी रहे अपने दौर में, नंबर वन,
नंबर टू, ऐसे वो ऐसा आदमी गुजरा है जिन्होंने ऐसे नेकी के काम किए हैं जिनका उनके बेटों को भी पता नहीं, उनके फैमिली को भी पता नहीं, उनकी बीवी को भी पता नहीं, किसको पता। मस्जिद के बारे में कुछ बताइए भाई साहब। ये मस्जिद तो मस्जिद है भाई, तो कितना पैसा लगा है। ये यहाँ से बंद है जी, ये सामने मेहरा वाला मंजर है ना जी। ये जो गेट है ना, ये गेट है, ये जो सामने गेट है ना, इसमें सिर्फ शेख लोग जाते हैं। अच्छा, ईद के नमाज के लिए खास लोग। और ये जो गेट है इसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। यहाँ सिर्फ शेख लोग जाते हैं, वहाँ आगे सामने पार्किंग है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, फिर वहाँ से सीधा मेहराब की तरफ से अंदर जाते हैं जी, ईद की नमाज पढ़ के फिर वहाँ से। और मोहन साहब भी साथ में थे, उनके लिए इंतजार हो रहा था। जब वो आएंगे उसके बाद ईद की नमाज होगी। देखना पड़ेगा कौन से गेट से होता है। अच्छा जी, तो उस आदमी का कब्र बना है यहाँ पे, इस मस्जिद के पास में उनका उनका कब्र है। उनकी नसीहत है, हाँ, बेटो को कि भाई मुझे यहाँ दफन करना। अच्छा अच्छा, और इस मस्जिद को बनने में जी 12 साल लगे। 12 साल, अच्छा अच्छा, 10 से 12 साल लगे जी। और अब जा कर के इसमें काम कंप्लीट हुआ है। अच्छा, आपको पता है हाफिज साहब, यार इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में बहुत बड़ा मार्केट है यार। अच्छा, हाँ, मुझे खुद मालूम नहीं था इसका। मुझे एक दिन साथियों ने बताया, बोलते हैं आपको पता है यार उसके नीचे कितना बड़ा मार्केट है यार। मैं, कौन सा मार्केट? मस्जिद में मार्केट क्या करे? बोलते हैं नहीं भाई, उधर बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी में काम करने वाले वो उधर अंदर मार्केट में काम करते हैं। अच्छा, बोला क्या बात कर रहा है, इधर मार्केट तो कोई नजर आता नहीं है। बोलते इसके बेसमेंट में। बात ठीक है साहब, ये तो कमाल हो गया। ये इंटरनेट का कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, रियल कॉस्ट क्या है वो भी बताता हूँ, मतलब जो वाज़ह इन्होंने बताया वो भी बताता हूँ जो लोग आवाम को पता है। $525 million लगे इसको बनते। $525 million जी। अब आप जर्ब लगाओगे ये इंडिया के कितने हुए जी जी। लेकिन मैंने एक दिन, मैं नमाज के लिए आया था इधर, तो अंदर के जो इनके जो खास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसमें से जो सुपरवाइजर था उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार, मैंने कहा इसके ऊपर खर्चा कितना है? उसने बोला, बोलते हैं ये सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बाबा जायद का अपना पैसा लगा है, जाती और उसने, और वो एस्टिमेट हम बोल सकते हैं कि तकरीबन 2 बिलियन तक लगा हुआ है। 2 बिलियन, आपको मालूम है कितने पैसे? आपको पता है 2 बिलियन कितने? बोलते ये भी मैंने अपनी तरफ से, ये भी मैंने अपनी तरफ से बताया। अच्छा, हो सकता है इससे ज्यादा लगे हो जी जी। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं आप जी, ये सोने के, सारा ऊपर सोना लगा। ये ऊपर जो मीनारों के ऊपर जो है ना, ये सोने के। और इसके जो मीनार है ना, वो बाबा जायद ने इतने लंबे बनाए थे कि मस्जिद नबवी से लंबे थे वो। अच्छा अच्छा, ये भी इसका भी पूरा वाकया है। आपको पता है जब सऊदी के गवर्नमेंट को पता लगा कि बाबा जायद ऐसी मस्जिद बना रहे हैं जो जिनके मीनार जो है वो मस्जिद नबवी से लंबे लंबे, तो फिर उन्होंने यहाँ पे इनको खत भेजा। अच्छा, हाँ, लेटर भेजा कि ये आप ऐसे नहीं करें, ऐसे मत करें, ऐसे नहीं करें, कोई बात नहीं, आप कितनी भी बड़ी मस्जिद बनाना चाहे बनाए, हाँ, कितने भी मीनार बनाना चाहे बनाए, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ ना उससे ऊंचा ना हो, उससे ऊंचा ना हो। तो फिर इसने हाइट कम किया है ना। अच्छा, बाकी तो आप अंदर जाके देख लेंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं, अभी टाइम नहीं है मुझे, अभी इतना क्या बोलते हैं इसको, गुस्सा आ जाओ। हाँ, तो मास्क की तो आप देखा, हाँ, कल नमाज़ का टाइम है, आ जाओ। बहुत बहुत बाद इसको मैं
बस ये है कि वो उस जमाने में बना है, जमाने का फर्क है। जी जी नजर पिलर जो है ना, हाँ असल में वो है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट है। अच्छा, ये जो ये सामने उस तरफ मस्जिद की तरफ ये लाइट फेंकते हैं, रात को ये जलता है, पूरा मस्जिद उससे नजर आता है। यहाँ से आप फोटो लो, माशाल्लाह क्या बात है। आसमान जी, इसके अंदर जितने पत्थर लगे हुए ना जी, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ आदमी इधर घूम रहा है, हाँ। इसको बोलो ये कौन सा पत्थर है, आपको बताएगा। ये सिरामिक है, यूनुस भाई मार्बल है, वो कौन सा है, ये बताइए। ये जो पत्थर सफेद सारा लगा हुआ है, ये अलग अलग है, एक ही है? नहीं, ये एक ही है। और ये हमारे यूनुस भाई जो पत्थर यूनानी है, ये यूनानी जो ये है मटेरियल, वो प्योर वाइट यूनानी में आता है। अच्छा, पूरा यूनान का। ये जो मीनार पर बिल्कुल लास्ट वाला पत्थर लग रहा है छोटा वाला, कौन सा है? सब वही, सब यूनानी है। ये जो गुंबदों के ऊपर सारा सोना है भाई, एक गुंबद, एक गुंबद उतार ले क्या? अच्छा, ये वजू खाना है माशाल्लाह। हौज उधर कर, उधर जाइए कर, वो नमाज के लिए, वो वजू के लिए, वहाँ वजू के लिए नहीं है, वैसे शो के लिए। माशाल्लाह, देखिए आप हजरात, जॉइंट मिले हुए नहीं है, नीचे पानी निकालने की जगह है, नीचे का पानी जाएगा है। जो सफाई होती है तो पानी अंदर चला जाता है, निकल जाता है। सहन है पूरा, कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग? वजू खाने जा रहे हैं आप। ये वजू खाना है माशाल्लाह शेख जैन मस्जिद का। ये वजू खाना है माशाल्लाह शेख जैन मस्जिद का वजू खाना है। नल देखिए आप, सिर्फ आपको नीचे हाथ करना है, पानी आ जाएगा। ये बैतुल खला का रास्ता है, ये बैतुल खला, बैतुल खला जाने का रास्ता है। ये तो बैतुल खला जाने का रास्ता है। तुर्की का मार्ग है, तुर्की।
पत्थर एक से एक आला किस्म का लगा हुआ है। देखिए क्या शानदार नक्काशी की हुई है फर्श पर। ये सहन का फर्श है। नक्काशी बहुत शानदार है। नमाजियों से भर जाती है पूरी मस्जिद जुम्मे के दिन पूरी ईद में रमजान में पूरा सहन के साथ सहन इस मतलब हुआ था। हाँ। रमजान में हुआ था। अच्छा बहुत तकरीबन आधे तक आए थे तो रमजान में तो इफ्तार वगैरह भी होता होगा। हाँ वही ना जबरदस्त डिजाइन गिलास इतना मोटा सारे गुंबद में जितने भी हैं ये हीरा जवाहरात मस्जिद के मेहराब के हिस्सा है और ये सारे हीरा जवाहरात हैं इसमें सारे के सारे। ये सारे नाम हैं बेटो बेटो भाई तो गाड़ी दे इससे जरूरत ना सफा सफा दा दे माने उससे तो धर्म यहां करो से लगो जी दा उस खदे ओदा जो बलाड़ी का ना ब्याह करने के रोचरवाची ना ब्याह कर। ये कौन सी बोली है इसमें पश्तो? ये पश्तो की बोली है जी पश्तो अपना मादरी जबान मादरी जबान फादरी जबान मैं सोचता हूँ कभी मादरी जबान तो फिर जबान। फादर की जबान कौन सी है असल तो फादर की जबान होती है मादरी तो कहीं क्या है मादरी फादर की क्या होती है कमाल है यार बच्चा ज्यादा माँ की जबान को कैच करता है ना वो तो सही है माँ की जबान लेकिन होता तो बाप का है ना कैसा चक्कर है यार ये समझ में नहीं आता बहुत माँ की में होता है ना ज्यादा कभी कभी मेरे को भी समझ में नहीं आता ये क्या तमाशा है ओ हो मसालेदार मिर्चीदार यकीन करो हाफिज साहब कल एक प्लेट से है ना इतना मसाला मैंने गरम जो साबत जो मसाला होता है इतना मसाला मैंने एक प्लेट से अपने हाथों से अलग किया अब थोड़ा आप सोचो उसका क्या हाल होएगा इतना मसाला देता है हमको तो अफगानी सबसे ज्यादा है ठीक है इंशाल्लाह क्या बात कर रहा है तू यार बनाते हैं मीट को कुछ नॉलेज दे साथ मूवी भी बता दी कि ओनली 10 रुपए का आता है उनको पता है 100 दिरहम को पेट्रोल पंप के इधर 10 रुपए बिरयानी खाने होंगे खराब बात हो गया ये हैदराबादी चार मीनार चमक रही है भाई आइए मुफ्तियाने किराम कुतुब शाह कुली क्या पोजीशन है तेरा पेट का बता दे भाई आप टेंशन नहीं करो चीख रहा है पेट अभी जिसको रोटी खाना है रोटी मिलेगा जिसको चावल खाना है चावल चावल मिलेगा बिस्मिल्लाह रोटी खाए वो हजम नहीं हो रही चावल खाएंगे
भाई अपन तो एक डिश का आइटम ऑर्डर देगा इतना बड़ा कढ़ा बोलो लड़ा मत बोल दे दोनों चाहिए बड़ा भी चाहिए छोटा का।